ये जो इस तरीके की स्लाइडिंग गेट मोटर होती है, इसके हम कनेक्शन देखते हैं कैसे करने हैं। यहाँ पर जो आपको ये एसी लेके आनी है 220 वोल्ट एसी के कनेक्शन, ये हम जो है बिजली के बोर्ड से लेके आए। इसके बाद ये जो इस तरीके के बीम सेंसर होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिक मोटर को क्लोज कर देते हैं और मोटर को वापस बैक भेज देते हैं। यदि बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो कैसे लगते हैं वो देखिए, हमने यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। ये इसमें आप देखेंगे तो यहाँ हमने प्लस माइनस पावर दिया है, इसमें मार्किंग होती है प्लस माइनस की, और यहाँ हमने ग्राउंड को कॉमन के साथ में जम्पर कर रखा है। ग्राउंड को कॉमन के साथ जम्पर किया ब्लू वायर से, और आउट से हमने एक ब्लू वायर लिया है, और यहाँ पे हमने ये जो जम्पर होता है इसको एनो पे रखा है। ये आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसको एक एनो पे रखा है इधर की तरफ, ये वाली पिन खाली छोड़ रखी है, ध्यान रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एनसी पे जम्पर आता है। ये हमने एनो पे रखा है और इसमें सिंपल हमने जो है प्लस माइनस पे पावर दिए। ये पावर के कनेक्शन हमने यहाँ से लिए, यहाँ जो आप ये रेड वायर देख रहे हो, ये जो रेड वायर है यहाँ पे प्लस 15 वोल्ट लिखा है, यहाँ से हमने ये पावर बीम सेंसर्स को दी है, और जो ब्लैक लिखा हुआ है इससे हमने जीएनडी दिए। और यहीं पे एक फोटो आप ध्यान से इधर से देखेंगे तो ये फोटो जो लिखा हुआ है इसमें हमने ये ब्लू वायर कनेक्ट किया है, जो कि इसके आउट से, इस वाले बीम सेंसर के आउट से आया हुआ है। ये इस तरीके से ये इसके साथ में रिमोट आते हैं जिससे मोटर चलती है। अच्छा, इसमें जो ये बटन है, ये वाला जो बटन है, ये मोटर की डायरेक्शन राइट और लेफ्ट करने के लिए होता है। अभी हमने मोटर की डायरेक्शन इधर कर रखी है, और जो डीआईपी स्विच है इसमें 2 3 4 स्विच जो है हमने ऑफ पोजीशन में रखे हैं, और एक स्विच को हमने ऑन पोजीशन में रखा है। ये जो 4 नंबर का स्विच होता है, ये यदि ऑफ ऑन पोजीशन में रहेगा तो आपका जो है बीम सेंसर काम नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको ऑफ पोजीशन में रखा है। ये मोटर है, अब हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। अभी आप देखेंगे ये बीम सेंसर जो है एक दूसरे के सामने वाली पोजीशन में रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे इनके बीच में ऑब्स्टेकल आता है, यहाँ देखिए आप ग्रीन लाइट जलती है, जैसे ऑब्स्टेकल आएगा ग्रीन लाइट जलेगी। तो अभी हम इनको जो है इस तरीके से थोड़ा एंगल करके रख देते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि एक दूसरे के सामने है, और ऑब्स्टेकल पैदा करने के लिए हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे ताकि इसके बीच में ऑब्स्टेकल आ जाए। तो अभी जो है चालू, अभी रिमोट से हम इसको मोटर को ऑन करते हैं। ये देखिए आप, ये जो अपर सेंसर जो है, ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ऊपर लिमिट वाला, ये जैसे इसके सामने आएगा मोटर बंद हो जाती है, और वो जो लोअर सेंसर है वो गेट पे लगा हुआ है, वहाँ जाके गेट खुल गया है। अब इसको हम वापस बंद करते हैं, लेकिन इसको बंद करने से, जैसे ही हम इसको वापस बंद करेंगे, ये जो बीम सेंसर है हम इस पर हाथ रख लेते हैं, ये देखिए ग्रीन लाइट इसमें जल गई होगी, तो अब ये जो है ये मोटर काम नहीं करेगी। देखो मैं रिमोट दबाता हूँ, ये कोई भी काम नहीं करेगी। यहाँ पे इस मोटर के बोर्ड पर भी आप देखेंगे ये रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रही। इसका मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल है, ये मोटर नहीं चलेगी। अभी यहाँ से ऑब्स्टेकल चला गया, अभी हम मोटर इसको जो है, अब अचानक इसमें ऑब्स्टेकल आ गया, ये देखिए ऑब्स्टेकल आया, मोटर अपने आप वापस लौट कर आ गई। दोबारा देखते हैं, ये अभी हमने मोटर चालू की, ये बीच में ऑब्स्टेकल आया और ये वापस गेट अपने आप बंद हो गया। इस तरीके से ये जो भी बीच में कुछ आ जाता है गेट के, उसको रोक। ये स्लाइडिंग गेट ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। यदि कोई भी आदमी बीच में आ जाएगा इसके चलते हुए के, तो ये वापस चला जाएगा। ठीक है, ये बंद, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये इसमें साइड बीम हो गए, ये भी जगह कहाँ गए होगा थोड़े।
नहीं कुछ नहीं होगा, वाटरप्रूफ है सब। ये खोल दो, खोलने के बाद खुल जाएगा।